तैयार हो गए। और इसे कितनी देर तक रखने के बाद? 5 मिनट रख लो, 2 मिनट रख। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज हम बनाएंगे मज़ेदार से क्रिस्पी पकोड़े। ये तो सबके फेवरेट होते हैं और जब मौसम इतना अच्छा होता है तो चिप्स, पकोड़े और समोसे, इस तरह की चीज़ें खाने को दिल करता है। 2-3 दिन से लाहौर में लगातार बारिश हो रही है, कल तो सारा दिन बारिश होती रही है, तो बस फिर हमने सोचा आज पकोड़े बनाते हैं। इसके लिए जो इन्ग्रीडियंट्स चाहिए वो देख लेते हैं। अब पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या शामिल करना है जिससे हमारे पकौड़े सॉफ्ट भी बनेंगे और क्रिस्पी भी होंगे। पालक, धनिया, आलू, प्याज और हरी मिर्च, इन सब की कटिंग कर लेंगे। पालक और धनिया को आपने अच्छी तरह से धोना है क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। इनको पहले धोकर रख लें ताकि इनका पानी ड्राई हो जाए, उसके बाद बाकी सब चीज़ों की कटिंग कर लें। इन पकोड़ों में आपने सब चीज़ों को बारीक बारीक और छोटे साइज़ में काटना है ताकि वो अच्छी तरह गल भी जाएं और क्रिस्पी भी बने। हर कोई अपने तरीके से पकोड़े बनाता है, कुछ लोग तो इसमें कसूरी मेथी भी डालते हैं, लेकिन मुझे सिंपल ही अच्छे लगते हैं तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो ना पैकेट पहले खोल, दो ज्यादा ना हो जाए। अच्छा ठीक है, एक ही बड़ा है। तो ये वैसे मैं इसमें आपने 1 चम्मच भर के सूखा धनिया लेना है, इसके अलावा अनारदाना। इसके बगैर तो पकोड़े मजे के लगते ही नहीं, इसको लाजमी शामिल करना है। अच्छी तरह धोकर कूट लें। अनारदाना, सूखा धनिया और ज़ीरा, इन तीनों चीज़ों को आपने पीस कर नहीं डालना, ना ही साबुत शामिल करना है। इनको हल्का सा दरदरा करके फिर पकौड़ों में डालना है। इससे इन मसालों की खुशबू डबल हो जाती है और खाने में जब हम हल्का सा इसे चबाते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। अच्छा, अब मैं आपको इनकी क्वांटिटी भी बता देती हूँ। अनारदाना 1 खाने का चम्मच भर के लिया है, 1 खाने का चम्मच जीरा और 1 ही चम्मच भर के सूखे धनिया का लिया है। पकोड़ों के लिए 2 कप बेसन लिया है। अब मेरे पास ये वाला कप है तो मैं इसी से मैयर कर रही हूँ। ये वाले 2 कप लेने के बाद भी मुझे बेसन की जरूरत पड़ी थी तो मैंने 2 मुट्ठी बेसन और डाला था। बजी आप ये हाथ के साथ कर लेना, आराम आराम से डाल लें या थैरे चले डाल लें चम्मच में। नहीं नहीं, हाथ से डाल लें, हाथ से पकड़। चलिए मैं छोड़ने लगी।
पकोड़ों का जो मिक्सचर है वो ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा हार्ड, बस नॉर्मल सा बना लें जिससे पकोड़े अच्छे बन जाएं। अच्छा, अब राबिया बाजी इसको मिक्स कर लें, फिर नेक्स्ट देखते हैं कि क्या करना है। यही सब बातें मेरी सीक्रेट हैं जो मैं आप सबसे शेयर करती हूँ, कोई भी आपको इतनी डिटेल से नहीं बताएगा। नमक तो भाजी ऐसा करते ना, बस ये मुझे चम्मच दें भाजी, चम्मच अभी हिलाना नहीं, पहले सारे मसाले डल जाएं उसके बाद। जीरा करके पाया है, अच्छा लाल मिर्च नजर आ रहा है बड़ी, आप ध्यान से अदरक भी, हल्दी भी पानी जी, हल्दी भी पानी भाजी, अदरक का पाउडर भाजी, लहसुन मैं दे दूँ, मैं थोड़ा और पका दूँगी। अदरक की डब्बी हो गई तो भाजी धोतियाँ जो मिले वो डब्बिया बना लगे ये बोलने मुझे सरमा पाउडर है, ये भी ये तो भाजी सही है, सही चल। हूँ भाजी हल्दी, हल्दी पकौड़िया च लाजमी पीने, चम्मच वो भी पर के पानी जी हल्दी पीले पीले, अब आप मिक्स कर लें, ठीक है। अब आप हिलाते जैसे दूसरा हाथ भी पकड़ लेना उसके साथ, मैं ये बंद कर दूँ, पानी तो पड़ना है ना थोड़ा, वीडियो चल रही है। और इसे कितनी देर तक रखने के बाद? 5 मिनट रख लो, 2 मिनट रख। अब इसको फौरन फ्राई कर लें, कर लो सही, ठीक है। आप फिर कढ़ाई ले आए और ये चीज़ें उठा के ना बाजी, तो यहाँ से थोड़ा कपड़ा शपड़ा मारते हैं। राबिया बाजी मेरी बात सुने, ये प्लेट आपने इसके ऊपर उल्टी दे के ज़रा वो कॉर्नर पे लगा दिया, मैदा तैयार हो गया सारा मसाला।
ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया। तैयार हो गया, बिल्कुल रेडी है। अब आप बनाएंगी फिर? हाँ। चलिए अब डालें मैं आप। हम तो बना लेंगे, देख तेरे मैं उस साइड पे आती हूँ। क्रंची क्रंची बहुत ज़्यादा बड़े हैं, छोटे छोटे बनाए हैं, बहुत बड़े हैं। चूल्हा ऐसा करते हैं वो जल जाएंगे तो, लेकिन अंदर से पकेंगे नहीं। Thank you.